बॉलीवुड के दिग्गज स्टार जो इतने साल में नहीं कर सके वो दिलजीत दोसांझ ने कर दिखाया। अपने बेहतरीन गानों और एक्टिंग से सभी को दीवाना बनाने वाले पंजाबी सिंगर और एक्टर दिलजीत दोसांझ ने वह कर दिखाया है जो आज तक किसी भी बॉलीवुड सेलिब्रिटी ने नहीं किया है। उन्हें इसके लिए को दादा साहेब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया गया है। दरअसल दिलजीत दोसांझ अपने कई सुपरहिट गानों और पंजाबी फिल्मों की वजह से काफी चर्चा में रहते हैं। सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग होने की वजह से ही दिलजीत दोसांझ को दादा साहेब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया गया है। जी हां, दिलजीत साल 2018 की सबसे ट्रेंडिंग पर्सनैलिटी में से एक हैं। दिलजीत दोसांझ ने दादा साहेब फाल्के अवार्ड के साथ अपना एक वीडियो इंस्टाग्राम पर शेयर किया है। साथ ही उन्होंने कैप्शन में लिखा, मोस्ट ट्रेंडिंग पर्सनैलिटी के लिए दादा साहेब फाल्के अवार्ड। दिलजीत के फैंस ने उन्हें कमेंट कर इस सम्मान के लिए ढेर सारी बधाई भी दी है। आपको बता दें कि साल 2012 में पहली बार दिलजीत दोसांझ अपनी पंजाबी फिल्म जट एंड जूलियट से लाइमलाइट में आए थे। इसके बाद उन्होंने कई सुपरहिट पंजाबी फिल्में की। इतना ही नहीं, दिलजीत उड़ता पंजाब, फिलौरी और वेलकम टू न्यूयॉर्क जैसी हिंदी फिल्मों में भी नजर आ चुके हैं। इन दिनों वे अपनी अगली फिल्म सूरमा की शूटिंग में काफी व्यस्त हैं।